आपसे मिला है, ये मेरा सौभाग्य है जिसमें गांव में आया हूं आप सबके दर्शन करने के लिए। आपका उपस्थित है, आपकी उपस्थिति आपका आशीर्वाद है, आशीर्वाद है मुझे भी, इंदिरा जी को भी, कांग्रेस को भी। कांग्रेस छत्ती थी, कांग्रेस पार्टी आपको मालूम है, बरसों से पूरा किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, मैं समझता हूं कि छत्तीस कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और उसी रूप में इंदिरा जी को कांग्रेस हाईकमान में खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के पुणे आपको इंदिरा जी को आप इस क्षेत्र में उम्मीदवार बनाया है। अब आपके विश्वास के आधार पर है, आपके विश्वास के आधार पर बनाया गया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि काम में कोई कमी रखी नहीं इंदिरा जी ने, जो मांगा मुझसे भी मैंने स्वीकार कर दी इनको। मैंने यहां तक कह दिया इंदिरा जी तुम मांग तो छट जाओगी, मैं देखी नहीं चाहूंगा। हम देखिए 25 से ज्यादा तो बावन हजार इलाके डालकर अंग्रेज स्कूल खुल गए, भोडोली में एस टी आवासीय विद्यालय खुल गए, बूंदी में आईटीआई बामनवाद सुकाल मित्रपुरा में कॉलेज खोल दिया, बूंदी सेंट्रल कॉलेज में कॉमन किया, बूंदी कॉलेज में कॉमर्स विषय शुरू कर दिया, सुकाल में सीएससी, पिपलवाड़ा तीनों के यहाँ में पीएससी खोल दिया, बरनाला मित्रपुरा को तहसील बोली बामनवाद खेली को नगर नगर पालिका बना दिया, बामनवाद का एडिशनल एसपी बोली डिप्टी एसपी का ऑफिस खोल दिया, बोली और बामनवास में लिखो लिखो का केंद्र खोलना बड़ी बात है नौजवानों के लिए, लिखो का केंद्र आने वाले वक्त में छोटी छोटी उद्योग लगेंगे, छोटे उद्योगपति बनेंगे, काम शुरू होगा, यूनिवर्सिटी का काम खोलना ब्लॉक के अंदर पहली बार शुरू हमने किया है। मुझे खुशी है कि बोली भवन वास में लिखो का औद्योगिक क्षेत्र भी बन रहा है, बाटोड़ा और बनावास में कृषि मंडी शुरू कर दी, बोली बाटोड़ा में खेल स्टेडियम बन रहा है, बच्चों के लिए स्टेडियम बन रहा है, मोहनवास विधानसभा क्षेत्र में 4 निग आए हुए करीब 400 करोड़ की लागत से सड़कें बन रही है, आप सोच सकते हो। काम की कमी रखी नहीं हम लोगों ने, जो मांगा जो दिया, पानी के अंदर, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में और सोशल सिक्योरिटी के अंदर 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को भी और मृतकों को, विधवाओं को, विधवा हमारी बहनों होती है तकलीफ पाती है उनको भी दे रहे हैं, और जो विकलांग है, अपंग है, निःसक्षम है उनको भी, पहले 500 रुपये थी अब मैंने बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिए पेंशन कमीशन। इस प्रकार से आप सोच सकते हो कि ये सोशल सिक्योरिटी है, सामान्य सुरक्षा देने का काम हमने किया है। महंगाई का वक्त था, राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, तो 4 मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, आपस में सभी समाज के बीच में भाईचारा, प्यार मोहब्बत का माहौल बने, और गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है बहुत बड़ी नहीं हो जाए, गरीबों के हित की बात उन्होंने करी थी। वही 4 पॉइंट लेकर के मैंने अपना बजट बनाया, पेश किया, शानदार बजट पेश किया, घोषणा करी और घोषणा की नहीं खाली, इतर बन गए, हमने घोषणा लागू नहीं कर दी राजस्थान के अंदर, पहली बार बस मैंने राष्ट्रीय गारंटी दी गई आपको, गारंटी में शानदार आप गई है, 25 लाख का बीमा इलाज का हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ राजस्थान के अंदर, और सबके लिए है, सबके लिए है, भगवान भरे कोई बीमार नहीं पड़े, तो बीमार पड़ जाता है तो उनके घर में
कितनी तकलीफ होती है पैसों की, उधार लेने की, मकान गिरवी रखने की, गहने बेचने की, इलाज कराना। अब तो आपका इलाज, दवाइयां, ऑपरेशन सब कुछ फ्री कर दिया है, टेस्ट फ्री कर दिया है। पहली बार देश में हुआ है राजस्थान में, सिर्फ राजस्थान में, और सबके लिए हुआ है। बाकी राज्यों में 5 लाख का है, 5 लाख का में 20% आबादी का है, 22% आबादी का। हमने यहाँ पूरे प्रदेशवासियों के लिए कर दिया, कोई गरीब अमीर कोई हो, जो पैसे वाले हैं 850 खा लिया। इस प्रकार के किया, दुर्घटना बीमा कर दिया, अन्नपूर्णा योजना में हम लोग किट दे रहे हैं, दालों का भी, तेल का भी, मिर्च मसाले का भी। गाय मर गई थी दंपी में, 40-40 हजार रुपये हमने गाय मालिकों को दिया था, गाय मरने पर दंपी रोग के अंदर दिया। और आगे बीमा करें गायों का, पैसों का 40-40 हजार बीमा करें, प्रीमियम सरकार बदल दी, आपको नहीं भरना। सो यूनिट बिजली फ्री कर दी, अधिकांश लोगों को 100 यूनिट बिजली में, 1 करोड़ लोगों को अब बिजली आ रहा, बिजली आ रहा, एक मीटर एक तरह जलाई दूसरी पर। और 100 यूनिट बिजली का फायदा सबको दिया है, ज्यादा बिजली है मान लो उसको 100 यूनिट कम कर दी गई है, सबको फायदा। किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, खेत पे उसके कुओं पे कर दी गई, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 500 रुपये में दे रहे हम लोग उज्ज्वला योजना वालों को। अब जो नई गारंटी दे रहे हैं, 7 गारंटी हैं, ये 7 वचन हैं मेरे। अगर सरकार आपके आशीर्वाद बनेगी, क्योंकि सरकार बनाना तो आपके अधिकार क्षेत्र का, हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, हम तो खाली काम कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, कामों को बता सकते हैं कि ये काम का इसका फायदा ही मिलेगा। किसानों का अलग बजट पेश करने वाला देश में एकमात्र राज्य को एक राजस्थान है जहां अलग से बजट पेश किया गया किसानों के लिए, आप सोच सकते हो। तो काम तो अनेक किया गया, अनेक काम किया, और 7 गांधी जो है उसमें आप देख लीजिए, एक से बढ़कर गए। 10 लक्ष्मी योजना हमारे बहने माता का दी है, हमने तय किया है 10,000 रुपये प्रतिवर्ष घर के मुखिया को मिलेगा, 10,000 मिलेगा, सब सम्मान राशि मिलेगी। दूसरा हमने किया है नए शरीर जो है, पहली काले उज्ज्वला योजना वालों को मिलता था, अब जो राशन की दुकानों से सामान खरीदते हैं, खाते सामग्री में जो नाम जिनका है वो 1.5 करोड़ लोगों के परिवारों को भी अब 500 रुपये गैस सिलेंडर मिलेगा। ये दूसरी घोषणा गांधी ने दी है, एक दी है आपदा जाता है, बाढ़ आ गई या ओलावृष्टि हो गई, बिजली गिर गई, अंदर आगे गए मकान गिर जाते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो सरकार के अमाउंट बहुत कम है, कम पैसा मिलता है, 1,50,000, 2,000। हमने कहा 15 लाख तक का बीमा करवाएंगे हम लोग, वो जो तकलीफ आ गए रात 15 लाख रुपये तक का मिलेगा, मिल सकेगा, ये हमने गारंटी दी है। एक गारंटी दी है गोदन की, ये नई बात है आपके लिए, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने की थी, मैं देख के आया था रायपुर के अंदर, जो गाय भैंस है उनका गोबर जो है वो अब जो है पूरी गाय फिरती है गलियों में मॉलों में, केवल एक्सीडेंट होता है तो गाय मर जाती है या आदमी मर जाता है एक्सीडेंट, तो तमाम गाय भैंसे जो है तो नहीं जाती है गलियों में, कम जाती है, पर गाय बहुत जाती है, नदी जाती है, उन सबको बाड़ों में रखेगी सरकार, और जो मालिक होगा वो भी ध्यान रख सकता है उसका, सरकार भी ध्यान रखेगी, चारे का पानी का सब ध्यान रखेगी। और गोबर जो है गोबर 2 रुपये किलो सरकार खरीदेगी तमाम पशुपालकों से। ये सब काम होगा, एक सब तो गलियों में सफाई गलियों में रहेगी, एक तरफ कहते गाय माता, और वो गाय माता को फिर आप जानते हो कि गलियों में फिरती है अच्छी नहीं लगती है, हमने
तय किया है उनको सब सम्मान जो है बाड़ों में रखेंगे और जो गोबर होगा उसका गैस बनाएंगे, गोबर का खाद बनेगा, दवाई बनेगी गौमूत्र की। इस प्रकार सरकार ये पहली बार गोबर खरीदने के लिए मैदान उतर रही है, सरकार खुद उतर रही है। इस प्रकार से भोजन योजना बनाई है हम लोगों ने और दो गांधी जी बच्चों के लिए, छात्रों के लिए। छात्र जो है एक तो अंग्रेजी स्कूल इसको हमने खोली थी, करीब 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर। मुझे खुशी है गांव वाले इतने समझदार हैं, उन्होंने अंग्रेजी स्कूल का स्वागत किया गांव गांव के अंदर, 6 लाख बच्चे पढ़ने लग गए। प्रदेश में आपके लॉटरी को प्रतिदिन मांग है स्कूलों की। मैं आप कहना चाहूंगा कि मैं कुछ छात्र था, पढ़ता था, मैं कुछ अंग्रेजी खिलाफ था, अंग्रेजी क्या काम आएगी जिंदगी के अंदर ये सोच करके। तो मुझे खुशी है जमाना बदल गया है, मोबाइल फोन आ गए हैं, इंटरनेट है, ईमेल है, कंप्यूटर आ गए हैं। ये राजीव गांधी का सपना था, पूरा हुआ। अब अंग्रेजी जानकार रखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बनती है, ज्ञान बढ़ता है हमारा, हम ज्ञान दे सकते किसी को। और पढ़े भी आजकल डिस्टेंस होती है, बिना तारों के पढ़े, चाहे दिल्ली से हो, जयपुर से हो, घर बैठे बैठे आदमी पढ़ सकते हैं। कोरोना के अंदर पढ़ाई हुई थी,